आज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म बायोलॉजी का एक शब्द है जिसमें पॉली है, मॉर्फ है, तो पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फ मतलब चेहरा या फिर शेप। तो यानी कि जब हम कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो एक फंक्शन जिसका नाम है, दूसरा फंक्शन उसका नाम भी वही है, दोनों अलग काम करते हैं। यानी कि डिफरेंट फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट दे परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म और हम इसको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। एक ज़रा प्रोग्राम शुरुआत करें, फिर मैं एक एक करके इसके रूल्स बताता हूँ और कैसे ये अचीव होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब एप्लीकेशन बनाइए इसको, और यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं इसका, ओवरलोड मेथड करके दे सकते हैं। अब ये ओवरलोड शब्द आ गया ना, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अचीव किया जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि जावा में हम मेथड कहते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में हम फंक्शन या प्रोसीजर कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आज बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग की। यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके यहाँ चीज़ें बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जो मेथड ओवरलोडिंग है, यानी कि आप मेथड, एक मेथड उसको ओवरलोड कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा काम करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उसका तरीका कैसे होगा, देखिए कि आप एक फंक्शन का नाम बनाएंगे और उसको अलग पैरामीटर टाइप देंगे, अलग रिटर्न टाइप देंगे। हर फंक्शन के रिटर्न टाइप और पैरामीटर के हिसाब से वो अलग अलग काम करेगा। तो रूल्स उसके क्या हैं, ओवरलोडिंग कैन टेक प्लेस इन द सेम और इट्स सब क्लास। यानी कि ओवरलोडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरलोड फंक्शन को ओवरलोड करना, वो कहाँ हो सकता है आपके, देखिएगा आप, ओवरलोडिंग कैन टेक प्लेस इन द सेम और इन इट्स सब क्लास। ओवरलोडिंग अपने एक क्लास में हो सकती है या फिर सब उसके सब क्लास में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और ओवरलोडिंग जो है वो कंस्ट्रक्टर पे भी अप्लाई होती है, लागू है। तो कंस्ट्रक्टर इन जावा कैन बी ओवरलोडेड, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर पे भी हो सकती है। और ओवरलोडेड मेथड्स मस्ट हैव अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट नेम, मतलब जब आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी जो हम फंक्शन पास करेंगे, जैसे ये फंक्शन है मेन, इसकी जो आर्ग्यूमेंट है उसकी लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए हर ओवरलोड मेथड की। ध्यान दीजिएगा, अगर वो सेम होगा तो एरर दे देगा वो। ओवरलोडेड मेथड मस्ट हैव अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड डिफरेंट रिटर्न टाइप ऑल्सो। अच्छा, ओवरलोड जो लोडेड मेथड जो है वो एक ही क्लास के मेंबर होने चाहिए विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट या डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन नाम सेम होना चाहिए। ये एक्चुअली ये डिफिनेशन है, तो इसको मैं सबसे पहले लिख दूँ, यही आपके पॉलीमॉर्फिज्म है और यही इसकी डेफिनेशन है। ये है इसका, ओवरलोडेड मेथड शुड ऑलवेज बी इन पार्ट ऑफ द सेम सेम क्लास विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका द पैरामीटर्स में डिफरेंट देयर टाइप और नंबर और इन बोथ, लेकिन किसी ना किसी चीज में डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट देयर टाइप और नंबर और इन बोथ। यानी और दूसरा लास्ट चीज क्या आती है इसमें, क्योंकि पैरामीटर की बात हो रही है तो रिटर्न टाइप भी आपके डिफरेंट होंगे, मतलब सेम भी हो सकते हैं अगर पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। तो ओवरलोडेड मेथड जो है दे मे हैव सेम और डिफरेंट रिटर्न टाइप्स। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो हम अभी बात कर रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे करेंगे इसको अचीव, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, न्यू जावा क्लास, और जावा क्लास का नाम हम रख देते हैं, चलिए पॉली ओवरलोड रख देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग। ये हो गया, फिनिश कर लीजिए इसे। और इसमें हमें क्या लिखना है, हम फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन का नाम हम रखेंगे पॉली। सबसे पहला है तो इसमें ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, देखिए इसमें हम कुछ कंप्यूटेशन नहीं करने वाले, केवल आपको वैल्यूज दिखाएंगे ताकि केवल कंसेप्ट क्लियर हो पॉली। और इसमें जो पैरामीटर पास करेंगे वो है आपका, मान लीजिए पहला पैरामीटर एक्स,
देखिए ध्यान दीजिए, एक आपका फंक्शन है पॉली, पॉली नाम है और इसका रिटर्न टाइप है वॉइड और इसका इनपुट है एक्स, ठीक है। इसकी बॉडी में बाद में लिखूंगा क्योंकि मैं एक दूसरा फंक्शन लिखने वाला हूँ और आपको डिफरेंस दिखाऊंगा क्या है। मैं उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब फेरबदल क्या करना है, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकते, देखिए एरर देगा। सिमिलर करते ये बोलेगा मेथड पॉली इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास, ये तो गलत है। तो आप क्या करेंगे, इंट एक्स है ना, आप एक और इंट वाई भी कर देंगे इसमें, देखिए कोई एरर नहीं है, सब ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि अब रिटर्न टाइप में भी थोड़ा फेरबदल करते हैं, इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लें, तीन बना देते हैं। अब इसका जो देखिए फिर से एरर आ गया, तो आप क्या करिए, डबल, कोई एरर नहीं देगा, आप डबल रिटर्न टाइप कर दीजिए बस, देखिए डबल रिटर्न टाइप हो गया। तो ये हमारे तीन फंक्शन बन गए और सारे के सारे जो है, देखिए इसमें कुछ बोल रहा है, ओके डबल पॉली ऑलरेडी एग्जिस्ट इंट एक्स, क्योंकि यहाँ पे इनपुट टाइप जो है ये मैच कर गए, तो आपको यहाँ पर डबल कर देना है, बस बिल्कुल ठीक हो गया ये। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कोई मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि ये रिटर्न डबल है, रिटर्न मांग रहा है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, मान लीजिए एक्स इंटू एक्स कर देते हैं, एक्स स्क्वायर रिटर्न कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं कुछ प्रिंटिंग कर देते हैं, एक्स की प्रिंटिंग कर देते हैं, जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, और यहाँ पर एक्स और वाई की प्रिंटिंग कर देते हैं क्योंकि दो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, एक्स और वाई यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स प्रिंट हो रहा है या एक्स वाई प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न एक्स इंटू एक्स हो जा रहा है। देखिए तीन फंक्शन एक ही नाम, एक ही नाम, अलग अलग काम, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट पैरामीटर एंड आउटपुट पैरामीटर। जैसे ही मैंने देखिए सिमिलर दिया, इसने एरर देना शुरू कर दिया। तो ये है तीन फंक्शंस जो ओवरलोडेड है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ओवरलोडिंग के जरिए ही अचीव किया जाता है। अब हम अपने मेन में आते हैं, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पॉली ओवरलोड का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पॉली ओवरलोड ओबीजे इज इक्वल टू न्यू पॉली ओवरलोड, ऐसे करके हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओबीजे से अब यहाँ प्रॉब्लम आती है, डॉट करेंगे तो ये बोलेगा पॉली, अब ये पॉली कौन सा लेना है, आप कोई जो भी लेंगे उसमें आपको वेरिएबल वैसे पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ मान लीजिए 50 कर देता हूँ, और देखिए अब मैं इसे रन कराता हूँ, कौन सा रन होना चाहिए आपके हिसाब से, जो वेरिएबल वाला, ये वाला एक वेरिएबल वाला, तो ये वाला रन हो जाएगा, ये वाला रन हो जाएगा। अब दूसरा मैं करता हूँ, यहाँ पर पॉली है, अब मैं सेकंड पे आ जाता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पॉल 50 और यहाँ पर 100 या फिर 500 दे देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस पता चले पहले और दूसरे में। रन कराइए इसे, ये कितना आसान है, एक्स एंड वाई 500 एंड 100, लेकिन पॉली फंक्शन नाम ही है, सेम चीज़ है, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके लिए हमें एक रिजल्ट लेना पड़ेगा, डबल रिजल्ट, क्योंकि एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा ऐसे, तो एक डबल रिजल्ट ले लेते हैं। और अब इसमें क्या करते हैं कि जो रिजल्ट आएगा, यानी कि obj.poly करते ही ये obj है, कैपिटल है, obj.poly ये वाला करते ही ये रिटर्न टाइप मांगेगा। तो यहाँ पर हम जो है कोई वैल्यू दे देते हैं, लाइक 2.3 दे देते हैं, अगर रिटर्न टाइप मांग रहा है, रिटर्न टाइप जो है वो यहाँ से इसकी पूर्ति होगी और इसको शो कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट, या आउटपुट इज इक्वल टू रिजल्ट। देखिए साहब ये भी बन गया, तो अब ये जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा यहाँ से 2.3 × 2.3, ये 5.28999999। तो थोड़ा कंसेप्ट हो आपको क्लियर हो गया होगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और अचीव कैसे किया जाता है ओवरलोडिंग से। और इस तरीके से हमने तीन फंक्शंस बनाए, अलग अलग पैरामीटर्स लिस्ट है इनकी, अलग अलग रिटर्न टाइप है, उस हिसाब से यहाँ पर कॉलिंग होगी, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।